आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। वेग और त्वरण तक पीछे वाले लेक्चर में पहुंच चुके, लेकिन जब वेग और त्वरण आपके पास होता है तो यहाँ से आगे एक टॉपिक और आता है जिसको अपन कहते हैं ऊर्जा। मीन्स टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओनली हिंदी में द्रव्यमान केंद्र का या केंद्र की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझने का प्रयास करना, एक इतना अच्छा लॉजिक आपको बताने जा रहे हैं जो आपको आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देगा। एक्स वाई जेड, क्योंकि मैकेनिक्स में बिना निर्देश तंत्र कोई काम नहीं होगा। ये मैंने कोई पिंड माना है कि इस निर्देश तंत्र में इस पिंड को मैंने रख दिया और इस पिंड पर दो बिंदु है, एक बिंदु में पी दे देता हूँ और दूसरा बिंदु में क्यू दे देता हूँ और ये कहता हूँ कि ये जो पिंड है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बड़े पिंड का निर्माण कर रहा है। ओके डियर, इस वाले को इससे मिला दिया जी, इस वाले को इससे मिला दिया, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो मैं कह देता हूँ आर सी एम है, दिमाग लगा रहे हो ना। और ये वाली डिस्टेंस है वो आ रही है, ये लो साइन लगा दिया, इतना काम हो चुका। दूसरा डायग्राम बनाइए। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप पकड़िए। छोटे छोटे से ही मिलके बना है, पूरी लैंग्वेज नहीं। यहाँ बिंदु P, इस बार P यहाँ, ये बिंदु P मिला दिया जी, ये बिंदु Q मिला दिया जी, ये सदिश, ये सदिश, और ये कह दिया ये दूरी क्या है आर सी एम, ये दूरी क्या है आर ए, वेक्टर लगा दिया इस पे भी, ये भी क्या होता है वेक्टर, ये भी दोनों वेक्टर होते हैं। अब देखिएगा, मैं वो डायग्राम नहीं ये डायग्राम काम में लेता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि पी की दूरी क्या है ओ के सापेक्ष आर सी एम है, तो मेरे लिए इस वाले पार्टिकल को उठाकर कहाँ लाना है यहाँ, नहीं इस वाले पार्टिकल को उठाकर कहाँ लाना है यहाँ बिंदु। मीन्स आपको वापस से समझिए, जो वी सी एम का पॉइंट होता है उसी को अपने को उठा के चलना होता है। अब देखिएगा, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर कहाँ ले जाए यहाँ, ओके फर्स्ट में हो गया। सेकंड में यही प्रोसेस कैसे करने वाले थे अपन कि इस पिंड आर सी एम वाले को उठाकर यहाँ, सपोज करिएगा ये त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी ये वाली, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी ये वाली, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन ये वाली है तो त्रिभुज का नियम लगाओ, ये डायरेक्शन सेम, मीन्स आर सी एम वैक्टर प्लस, इसको मैं मान लेता हूँ ये कोई आर डेश वैक्टर है, ये कोई आर आई डेस वेक्टर है, ठीक है जी। आर सी एम प्लस आर आई डेस वेक्टर किसके बराबर होना जी, आर आई वेक्टर के बराबर होना अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस डायग्राम। इधर से चलो तो यहां देखिए, इस सदिश की दिशा, इस सदिश की दिशा ये उल्टी आ गई, मीन्स आर सी एम वेक्टर प्लस आर आई डेस वेक्टर किसके बराबर, आर आई वेक्टर। दोनों समीकरणों को आप मैच कीजिए, क्या दोनों इक्वेशन इक्वल है, कहने का मीनिंग क्या है, चाहे आप ये डायग्राम लेके सॉल्यूशन कर लो द्रव्यमान के अंदर का, चाहे आप ये वाला डायग्राम लेके सॉल्यूशन कर लो। ये अपने क्यों पढ़ा, क्योंकि द्रव्यमान के अंदर की ऊर्जा में आपकी बुक्स में ये डायग्राम नहीं बना के कौन सा डायग्राम बनाया हुआ होता है, ये वाला डायग्राम बनाया हुआ होता है। अब तक अपन इस डायग्राम से ही पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, तो अचानक आपके सामने ये डायग्राम आ जाता है तो आप घबरा जाते हो कि ये कैसा डायग्राम, कंक्लूजन दूर हुआ, चाहे ये आए चाहे ये, क्यों, क्योंकि दूरी का रिलेशन देखिए डिपेंड इस बात पर रहेगा कि पी क्यू के पास जा रहा है या क्यू पी के पास जा रहा है। तो ध्यान रखो आर सी एम वाले को कहां ले जाते हैं, दूसरे के ऊपर ले जाते हैं, तो इस डायग्राम में पी को क्यू पर लेके चले गए, इस डायग्राम में क्यू को नहीं, इस डायग्राम में इस पी को कहां लेके आगे, क्यू पर लेके आगे। इसका मीनिंग क्या है, जब ये डायग्राम होगा तो इसकी दिशा ऐसे होगी, जब ये डायग्राम होगा तो इसकी दिशा ऐसे होगी, इसी से निर्धारित होता है कि इसकी स्थिति का इक्वेशन कैसे निकलता है। बहुत अच्छे से भली भांति मैंने आपको बताया है कि कैसे दोनों इक्वेशन क्या हो चुके हैं, मैच हो चुके हैं। लेकिन अपना तो टास्क कुछ और ही है, अपने को तो एनर्जी निकालनी है, नहीं एनर्जी हाँ ऊर्जा निकालनी है, और ऊर्जा कैसी होती है, द्रव्यमान केंद्र में हमेशा कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा निकालेंगे अपन, गतिज ऊर्जा, क्योंकि पकड़ के ले जा रहे हैं तो गति करेगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा के सूत्र से
गांठ बांध लेना इस कॉन्सेप्ट की, क्या होता है ई आई वन बाई टू एम वी स्क्वायर, आईवा पार्टिकल आईवा पार्टिकल, इक्वेशन नंबर वन, कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब जैसे तैसे करके आपके पास क्या आ जाए, वी आई का मान आ जाए, तो आप यहां वी आई का मान रख दो और पूरा सॉल्यूशन कर लो। कैसे करोगे? वी नो दैट, अब तो आप जान गए होंगे कि आर आई वेक्टर किसके बराबर होता है, आर आई डेस वेक्टर प्लस आर सी एम वेक्टर। समीकरण का अवकलन करने पर मिल जाएगा ना वी आई, डी आर आई बटा डी टी, समीकरण का अवकलन करने पर कीजिएगा। कोई एक डायग्राम रख लेते हैं, करो डी आर आई डिवाइडेड बाई डी टी, वेक्टर में नहीं लगा रहा, वेक्टर है ठीक है ना, आपको लगाना है डी आर आई डेस अपॉन डी टी, चलो आगे प्लस डी आर सी एम बट्टा डी टी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट बताइए मेरे को डी आर आई बट्टा डी टी क्या होता है जी, वी आई। ऐसे ही डी आर आई डेस बट्टा डी टी क्या हो जाएगा बोलिए, बस कि फर्क सिर्फ डेस का है तो डेस लगा दीजिए आप, ठीक है ये लो वी आई डेस हो गए वी आई डेस। इसी प्रकार डी आर सी एम बट्टा डी टी क्या हो जाएगा, वी सी एम। इसको समीकरण ले लेना दो, इसको समीकरण तीन, सॉरी समीकरण दो व तीन से क्या मिलेगा अपने को, वी आई इक्वल वी आई डेस प्लस वी सी एम, समीकरण कितना हो चुका चार। ठीक है जी, अपने पास वी आई की वैल्यू आ गई, तो अपन क्या कहेंगे समीकरण चार को समीकरण एक में रखने पर, रखिएगा ई आई इक्वल वन बाई टू एम आई इंटू वी आई, मीन्स वी आई डेस प्लस क्या हो गया वी सी एम का क्या बन गया स्क्वायर, खोल दो जी ई आई इक्वल वन बाई टू एम आई, ठीक है फर्स्ट का स्क्वायर कीजिएगा वी आई स्क्वायर प्लस सेकेंड का कीजिएगा वी सी एम स्क्वायर प्लस टू इंटू क्या आएगा वी आई डेस और वी सी एम, ये चला आएगा। अब थोड़ा सा सुनिए, अपन किसी एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है जब अपन एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो एनर्जी मान लेते हैं अपन डी ई आई, ठीक है जी। तो टोटल की बात करेंगे तो क्या लगाना होगा अपने को, द्रव्यमान में भी समीशन लगाना होगा, क्योंकि समीशन एम आई किसके बराबर होता है एम, ये वाला कॉन्सेप्ट आगे अपन अप्लीकेबल करेंगे। यहां तक समझ आ चुकी है आपके कि अपन कैसे पहुंचे हैं, बढ़िया आगे मल्टीपल करिए ई आई इक्वल वन बाई टू एम आई वी आई स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम आई वी सी एम स्क्वायर, टू से टू चला गया, क्या रहा ओनली एम आई वी आई डेस वी सी एम, और इसको मैंने दे दिया समीकरण पांच, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। समटाइम्स वेट दिक्कत है, टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कोई भी स्टेप में, ठीक है जी। यहां तक हो चला अपना। अब देखिएगा, आपको निकालना होता कि कुल ऊर्जा क्या है, कुल ऊर्जा। तो अभी जैसे मैंने बताया जो अपन ने ई आई अपन लेके चले थे उसको अपने को क्या लेके चलना था, डी ई आई, ठीक है डियर। मीन्स क्या है ये, क्या है डी ई आई, ये क्या है डी ई आई, ये क्या है डी ई आई। अतः है कुल ऊर्जा ई आई, आई वे पार्टिकल की कौन सी ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, आई वे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, क्या कह सकते हैं ई आई के, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि टोटल एनर्जी ई के समीशन आई वे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वन से कहां तक, आई तक, अप्लीकेबल कर दो इसको, कह दो समीकरण छह, समीकरण पांच व छह से समझ लेना ध्यान से। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अपने डायग्राम बनाया था उसमें एक पार्टिकल आई वा लेके अपन चले थे और आई वे पार्टिकल के लिए कोई एनर्जी अपन क्या मान के चलते हैं, डी ई आई, टोटल एनर्जी अपने को चाहिए होती है जिसको अपन ई आई के बोलेंगे,
या ई के बोलेंगे, तब इनका क्या होगा सम्मिशन डी ई वन डी ई टू डी ई थ्री इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। देखिएगा समीकरण पांच व छह से क्या मिलेगा अपने को, ई के इक्वल सम्मिशन आई इक्वल वन से आई ई आई के या ई आई की वैल्यू ये वाली वन बाई टू एम आई वी आई स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम आई वी सी एम स्क्वायर प्लस एम आई वी आई डेस वी सी, थोड़ा सा सुंदर लिखिए ई के, कैसे लिख सकते हो अलग अलग पर क्या चला जाएगा समीशन चला जाएगा, यहाँ से वन बाई टू बाहर आ जाएगा तो वन बाई टू समीशन आई इक्वल वन टू आई एम आई वी आई स्क्वायर प्लस वन बाई टू समीशन आई वन टू आई एम आई वी सी एम स्क्वायर प्लस समीशन आई इक्वल वन टू आई एम आई, साथ में क्या है वी आई डेस डॉट वी सी एम। यहाँ तक पूरा फॉलो किया आपने, कोई दिक्कत किसी के भी ठीक है नो प्रॉब्लम। इसको समीकरण अपन दे देते हैं छः, छः हो गया था ना सात। देखिएगा समीकरण में क्या रहा है ए एक बटा दो एम वी स्क्वायर एक बटा दो एम वी स्क्वायर, यहाँ कोई अपने को टर्म नहीं मिल रही है तो अपन डिस्कशन करेंगे थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन सेवन। क्या लिखी हुई है जी टर्म समीशन आई इक्वल वन टू आई एम आई इंटू वी आई डे साथ में क्या है वी सी एम, इसका मान क्या होगा बस ये आप निकालना। मैं बताता हूँ पहले, देखिएगा समीशन आई इक्वल वन टू आई एम आई वी सी एम प्रजेंट है वी आई डेस को आर के पदों में क्या लिखते हैं डी आर आई डेस बट्टा डी टी ओके, ये कॉन्स्टेंट है बाहर भेज दो क्या मिला वी सी एम समीशन आई वन टू आई एम आई साथ में डी आर आई डेस बट्टा डी टी, हो चुका इतना काम। बढ़ते हैं आगे, उस वाली इक्वेशन के इक्वल मैं डायरेक्ट आगे वाला लिख देता हूं वी सी एम। देखिएगा डी बटा डी टी को मैं बाहर ले लूं मीन्स डी बटा डी टी क्या है अंदर समीशन आई वन टू आई एम आई इंटू आर आई, लेफ्ट में ये वाली टर्म थी। देखिएगा किसकी परिभाषा निकल के आ गई द्रव्यमान के अंदर की, किसकी डेफिनेशन है जी द्रव्यमान के अंदर की, तो द्रव्यमान की के अंदर की डेफिनेशन में इसका मान क्या होता है वन टू आई एम आई साथ में आर आई डेस का मान क्या होता है जीरो। डायग्राम से बताएं क्या, देखिएगा इस प्रकार से डायग्राम था और ये वाली डिस्टेंस थी वो क्या थी अपनी आर आई डेस थी, दिशा की बात अलग है ये वाली आ रही तो या तो ये यहाँ पे जाता या ये यहाँ पे जाता, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते तो आर आई डेस क्या हो जाता जीरो, आर आई डेस जीरो हो जाता तो इसको एम आई से मल्टीपल करते टर्म भी क्या हो जाती जीरो हो जाती, मीन्स द्रव्यमान के अंदर की परिभाषा से अपने को क्या मिला समीशन आई इक्वल टू यहाँ पे देखिएगा वन टू आई एम आई वी आई डेस इंटू वी सी एम किसके बराबर निकल के आ गया जीरो के इक्वल निकल के आ गया, भली भांति आपको बता दिया गया। इसको समीकरण आठ दे देते हैं, समीकरण आठ को सात में काम में लेने पर क्या मिलेगा ई के इक्वल क्या है जी एक बटा दो समीशन आई इक्वल वन टू आई एम आई वी आई स्क्वायर प्लस वन बाई टू समीशन आई इक्वल वन टू आई एम आई इंटू वी सी एम का स्क्वायर, इसको अपन दे देते हैं समीकरण वापस। देखिएगा एक बटा दो एम वी स्क्वायर दोनों के पैरों में आई है एक बटा दो एम आई वी सी एम स्क्वायर वी के साथ में क्या लिखा हुआ है वी सी एम लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखोगे देख लो, बट वन बाई टू समीशन आई इक्वल वन टू एन एम आई इंटू वी आई स्क्वायर, कोई गतिज ऊर्जा है नीचे आई है तो आई वे कण के लिए क्या हो गई गतिज ऊर्जा, अपन ने क्या कह दिया इसका ये मान किसका है आई का मान है, समझ गए इतना। थोड़ा आगे बढ़ो, अब देखिएगा आपकी जो बुक है
इसमें ई आई की जगह क्या लेता है, अगला ई के लेता है। तो आप बुक में यदि मैच करना चाहो तो ई के ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना गलत होता है। फिर सेकंड टर्म क्या है, 1/2 समीशन आई इक्वल 1 to i एम आई इंटू क्या है वी सी एम, वेग किसका आ रहा है वी सी एम का, मीन्स एनर्जी भी किसकी आएगी ई सी एम, मीन्स सेंटर ऑफ मास की एनर्जी। इसको समीकरण आप ले सकते हो 10, समीकरण 10 को समीकरण 9 में यूज करने पर। सीधी परिभाषा लगाई अपने गतिज ऊर्जा की, और ज्यादा कुछ नहीं किया गया। देखिएगा क्या मिलेगा, ई के इक्वल, ठीक है। अब देखिएगा मैच हो रहा है ना अपना, ई आई ही रखिए आप, ठीक है। ई के इक्वल टू ई आई प्लस साथ में क्या आ गया ई सी एम, और इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 11। समीकरण 11 क्या है, किसी द्रव्यमान केंद्र के लिए गतिज ऊर्जा का मान है, कि इसके लिए गतिज ऊर्जा कैसे आप फाइंड करते हो। तो ये किस किस का योग है, इसकी लैंग्वेज क्या बोल सकते हो आप, कि समीकरण 11 से स्पष्ट है कि बहुकणीय निर्देश तंत्र की गतिज ऊर्जा उस कण के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा। देखिएगा ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा, साथ में मैं बोलता हूं जल्दी वे में लिख रहा हूं, ठीक है ना, द्रव्यमान के केंद्र की गतिज ऊर्जा, और दूसरे वाली क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र में कणों की कुल ऊर्जा। क्या बोला, द्रव्यमान केंद्र में कण तंत्र की ऊर्जा दोनों के क्या होता है जी, योग के बराबर होती है कुल ऊर्जा एक के। फिर से मैं बोल देता हूं, समीकरण 11 से स्पष्ट है कि बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र के कणों की कुल गतिज ऊर्जा की योग के तुल्य होती है। समझ आया पूरा टॉपिक, स्पीडली पढ़ा है अपन ने थोड़ा, ठीक है ना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि स्पीड बढ़ाओ, जैसे जैसे चैप्टर के मिड में पहुंचते हो तो स्पीड बढ़ाते चलो, ठीक है। यदि फिर भी दिक्कत है टेलीग्राम पे बता दीजिएगा, और वीडियोज यदि पसंद आ रहे हैं, मीन्स लेक्चर्स अपने पसंद आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक है जो हमें देख सकते हो किस हालत में, इससे भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए या लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। आपके लिए ये मैटर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आपसे यही आशा करते हैं कि आप हमारा पूरा साथ दोगे। थैंक यू।